पर्सनली सीएम को हैंड ओवर करना है। सर आप उधर आ जाएंगे सर, मैं मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रहा था। नहीं इंटरव्यू बात नहीं है, इंटरव्यू देखिए अगर कानूनी काम कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं देखिए अगर किसी कानून में नहीं लिखा है तो मतलब साफ है आपको केवल यहाँ पे नौटंकी करनी है। यू हैव टू एक्सप्लेन डेली नौटंकी कि किसी भी सीएम को ऐसे आप परेशान करोगे, किसी भी सीएम को अपना काम नहीं करने दोगे, ये करना बंद करें। अगर आपकी मंशा है, आपकी मंशा है सर, मैं अपना काम जो कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जो मैं कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप कानूनी, आप कानून के तहत नहीं, मुझे ये बता दीजिए किस कानून के तहत आपको पर्सनली सीएम को हैंड ओवर, किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंड ओवर करना है। इंटरव्यू बात नहीं है, इंटरव्यू देखिए अगर कानूनी काम कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं किस कानून के तहत आप देना चाहेंगे सर, मैं सर किस कानून में लिखा है कि पर्सनली चीफ मिनिस्टर के हाथ में आपको ये देना है। सर आप अंदर आ जाएंगे तो नहीं नहीं देखिए अगर किसी कानून में नहीं लिखा है तो मतलब साफ है आपको केवल यहाँ पे नौटंकी करनी है। यू हैव टू एक्सप्लेन आपको समझाना होगा कि किस कानून के तहत आपको सीएम को पर्सनली हाथ में देना चाहिए। ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, सीबीआई के मेल में आते हैं, हर दिन ढेरों समन्स आते हैं, हर दिन अगर इतने नोटिस आते हैं कोई ये इंसिस्ट नहीं करता कि आपको हाथ में देना है। जो आप नहीं दे सकता सर, नहीं तो आप दीजिए ना। आप किस कानून, आप कानून की धारा बता दीजिए। आप कानून की धारा नहीं बता रहे कि आप क्यों चाहते हैं कि सीएम को आपको केवल हाथ में देना है, सीएम के स्टाफ को नहीं देना है। ईडी के समन्स में ये कोई कानून नहीं है, सीबीआई में नहीं है, क्राइम में भी ऐसा कोई कानून नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे केवल नौटंकी करनी है। सर मैं मीडिया के सामने बात कर रहा हूं, मुझे कानून की धारा बता दीजिए। सर आप कानून के तहत नहीं समझाना नहीं है, कानून की धारा बता दीजिए जहाँ पे लिखा है कि मुझे पर्सनली सीएम के हाथ में ये थमाना है। अगर आप कानून की धारा नहीं समझा सकते मतलब साफ है यहाँ केवल नौटंकी हो रही है। और आप ये संदेश मोदी जी और अमित शाह जी को भी दे दीजिए कि देश चलाने में ध्यान दे। ये डेली नौटंकी कि किसी भी सीएम को ऐसे आप परेशान करोगे, किसी भी सीएम को अपना काम नहीं करने दोगे, ये करना बंद करें। अगर आपकी मंशा है, आपकी मंशा है सर, मैं अपना काम जो कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ। तो आप दे दीजिए नोटिस। रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है जी सर, ना बिल्कुल सही है। तो आप नोटिस दे दीजिए। हाँ तो मैं दे रहा हूँ, सीएम के स्टाफ को दे दीजिए। सर मैं एक बारी कुछ सर से मिलके कुछ फैक्ट्स बताना चाह रहा हूँ। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, आप या तो कानूनी नोटिस को स्टंट मत बनाइए। स्टंट की बात नहीं है, स्टंट मोदी जी और अमित शाह जी बना रहे हैं। सर मैं किसी स्टंट मोदी जी और अमित शाह जी बना रहे हैं, ऐसे कोई कानून में नहीं लिखा है। अपने लीगल दायरे में रहते हुए जो काम कर रहा हूँ, अपने लीगल दायरे में रहते हुए कर रहा हूँ। जो कानून में लिखा है आप कानून की धारा नहीं बता रहे हैं। आप मन चाहे कभी भी आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं हम सीएम से मिलेंगे, किसी भी कानून में ऐसा नहीं लिखा है। मतलब आपका मकसद यहाँ केवल नौटंकी करना है। और अमित शाह जी और मोदी जी को बोल दीजिए कि ये नौटंकी बंद करें, देश चलाने में अपना दिमाग लगाएं, बेरोजगारी खत्म करने में दिमाग लगाएं, इन्फ्लेशन जो हो रहा है उसको खत्म करने में दिमाग लगाएं, ना कि हर दिन एक नया समन्स जारी करो, हर दिन एक नया नोटिस भेजो। अच्छा।